Hi to all, welcome to my channel. So in the previous video I just introduced the basic thing about partnership. So in this video I will just give example about some problems about partnership, some different kind of problem about partnership. As you can see, here is an example about partnership. According to the example, A and B enter into a partnership and A invested 1/5 of the capital for 1/5 of the time and B invested rest of the capital for rest of the time. How should they divide a total profit of ₹1700? So yahan pe bola gaya hai ki A aur B partnership ke liye पार्टनरशिप में ए और बी पार्टनरशिप करते हैं जिसके जिसमें ए 1/5 भाग कैपिटल के 1/5 भाग 1/5 ऑफ द टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता है और बी बाकी के जो रेस्ट ऑफ द कैपिटल रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता है. तो ये प्रॉब्लम हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. अगर हम टोटल कैपिटल को 5 लेंगे. हियर आई विल टेक टोटल कैपिटल एज 5. तो ए का कैपिटल होगा, एस कैपिटल होगा 5 × 1/5. As according to the question, A invested 1/5 of the capital. So 1 होगा A का capital, B is capital होगा rest of the capital is equals to 5 − 1 is equals to 4. This is B is capital. A invested 1/5 of the time period. Suppose the total time period is equals to 5. तो इस time period on and B's (5 − 1) as here B invested rest of the time. तो यहाँ B 4 होगा. तो रेशियो होगा A and B. A capital 1 × 1, as here we find the capital of A is 1 and the time period of A is 1. अगर A एक भाग ही देता है एक ही भाग time period के लिए तो एक ही होगा. और here we find capital of B is 4, time period is also 4. तो ये रेशियो होता है 1:16. तो टोटल रेशियो होगा 1 + 16 is equals to 17. तो यहाँ पे A शेयर इज रेशियो 1/17 × 1700 is equals to 100. तो A का शेयर होता है 100 रुपीस एंड B शेयर A plus B's ratio into total profit. तो होगा ये होगा 16/17 × 1700.
is equals to 1600 रुपीस। तो यहाँ पे ए का शेयर होगा 100 रुपीस एंड बी का शेयर होगा 1600 रुपीस। एज द टोटल प्रॉफिट इज 1700 रुपीस। आप ये मिला, आप ये सम भी कर सकते हैं जिसको मिला के होता है 1700 रुपीस। तो इस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं इस टाइप का, ए बी सी की। सो लेट्स टेक एन डिफरेंट एग्जांपल। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। ए इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। बी इन्वेस्टेड 1/5 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/5 ऑफ द टाइम। सी इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम। हाउ शुड दे डिवाइड ए टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3240। सो यहाँ पे बोला गया है कि ए बी सी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। तो ए जो कैपिटल है उसका 1/4 भाग जो ए का है, 1/5 भाग जो है बी का है, और बाकी सारा सी का है, सी इन्वेस्ट करता है। और जो टाइम पीरियड है उनमें से 1/4 भाग टाइम ए ने निकाली है इस प्रोजेक्ट के लिए। बी इन्वेस्ट करता है 1/5 ऑफ द टाइम पीरियड के लिए, और सी बाकी के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता है। तो कुल मिला के वो लोग 3240 रुपए प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें डिवीज़न 1/4 है और 1/5 है कैपिटल के। तो 4 और 5 के जो एलसीएम है वो 20 होते हैं। तो हम यहाँ पे टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू 20 ले लेते हैं। तो ए का कैपिटल होगा, इस कैपिटल 20/4 इज इक्वल्स टू 5। इज इक्वल्स टू 4। और सी का जो कैपिटल है वो रेस्ट ऑफ द कैपिटल है, तो होगा 11, क्योंकि 20-5+4 इज इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू 11। सेम टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड को भी 20 ही ले जाते हैं, क्योंकि वो भी 1/4 और 1/5 रेशियो में है। तो उन 4 और 5 के एलसीएम जो है वो 20 है। तो इस कैपिटल ये सॉरी इस टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 5। तो आइए चलते हैं, रेशियो निकालते हैं। ए बी और सी, ए 5 कैपिटल इन्वेस्ट करता है 5 टाइम के लिए, बी 4 कैपिटल इन्वेस्ट करता है 4 टाइम के लिए, और सी 11 कैपिटल इन्वेस्ट करता है 11 टाइम के लिए। तो ये हो गया 25, 25, 16 एंड 121। तो टोटल रेशियो टोटल प्रॉफिट है 3240। 162 will be cancelled out with 3240। ये 20 होगा, तो ये होगा 500 रुपीस। ACR will be 500 रुपीस।
BCR is equals to 16 into 20, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 2 सब्स्टिट्यूट कर लिया है, तो यहाँ पे 20 जो कि 20 निकल चुकी है, तो यहाँ पे हमें और डिवीज़न करना नहीं है, डायरेक्टली लिख देना है जो कि 320 होगा, रुपीस 320, एंड सी शेयर इक्वल टू 121 into 20 इज इक्वल्स टू 0242 रुपीस। सो इस प्रकार से हम लोग ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।